प्रसाद XPP। आज का जो समस्या है नई सरकार बनने के बाद, उस पर मैं अपना एक विचार किया कि कुछ लोगों को बतावे और सरकार को भी बतावे, उसी उद्देश्य से इस पर हम बात कर रहे हैं। ये सरकार जो थी, जाते जाते बेईमानी करके रात में आधी रात के बाद ही अपना बहुमत बना लिया और ये सरकार भी बना लिया। इनका पहले का जो राग आप रहे थे सुशासन, वो राग आज भी आप रहे सुशासन, लेकिन आए दिन रोज देख रहे हैं मर्डर, लूट, हत्या, आगजनी, रेप रोज हो रहा है। और इनके जो कुछ बोलने वाले थे सुशासन की बात, कानून अपना काम करेगा, ये करेगा, सब लोगों का बोलती बंद है। ऐसा क्यों? हमने कहने का साफ तात्पर्य ये है कि जनता का ये विश्वास खो चुका है, जनता इसके साथ नहीं है। जनता के जनादेश को ये जबरदस्ती है क्या, इसका प्रमाण है। एक दूसरी चीज ये है कि इसके सरकार के कथनी और करनी में मेल नहीं है। बोलता है कुछ, करता है कुछ। जहां तक शराब की बात है, क्या शराब बंद हो गया? शराब दिन दहाड़े खुलेआम सरेआम बिक रहा है। आई करे कि हम शराब रुकवा दिया, हम शराब बेचवा दिया, इसको है शर्म लगता है सरकार को है या नहीं है? दूसरा आदमी कोई चला जाता है तो कहता है कि उसके पास कहे गया, और इसके घर में खुद चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस में मिला है शराब माफिया आरा का, जो इसका पदाधिकारी था। क्या नाम? नाम हम भूल रहे हैं, जिला अध्यक्ष था, लेकिन उसको बाद में पार्टी से निकाल दिया। अरे वो वशिष्ठ नारायण है, गरीब गुरबा सबका। अरे गरीब गुरबा पर तुमको विश्वास है? तुम गरीब गुरबा का कहां से ध्यान रखेगा? तुमको तो अपना गुणगान करके अपना कुर्सी बनाए रखना है। नीतीश कुमार क्या है, क्या वशिष्ठ क्या है, हम आज से नहीं, आई नो देम फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जब हम लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ थे, उसके पहले से भी हम जानते हैं, जब कांग्रेसों में थे ही वशिष्ठ नारायण सिंह हुए हैं। जबकि मैंने जिसको गर्दन में ढोल बांध दिया गया था, सब जीत गया। तो आपका ये कहना है कि ये जो सरकार बनी है, ये जनादेश का अपमान है? जनादेश का अपमान है, उसका प्रमाण है कि डेली डेली अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इतना बड़ा बढ़ा हुआ है कि एक खाइबा वाला से, धनरुआ थाना के अंतर्गत एक खाइबा वाला से एक कार वाले कुछ बात होती है और कार वाला को चढ़ा देता है। इसका मतलब है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कब की बात है ये सर? ये कल की बात है, कल की बात है। मुंडन कराने जा रहे थे वीर, उसमें चार आदमी मर गया, जिसे बच्चे भी थे दो। हाँ, दो बच्चा, दो जेंट्स, दो फीमेल। दानापुर में गोली मार दिया परसों, चिरैया टार पुल पर लूट कर लिया, महिला को गोली मार दिया। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि झूठी प्रशंसा अपना आप करता है, आई कुछ बहाल किए हुए है जो गुणगान करता है कि कानून का राज चलेगा, ही चले। कौन सरकार है जिसमें कानून का राज नहीं चलता? किसमें कानून का राज में CRPC, IPC थाना बंद हो जाता है? तो ये ग्राम लालू प्रसाद यादव के लिए जंगल राज, जंगल ही कौन राज है? हम ही पूछना चाहते हैं, ये कौन राज है? डेली डेली मर्डर, लूट, डकैती, अपहरण सब हो रहा है। सिलाव में, अधी में, क्या बोलते हैं, सिवान में खुलेआम गोली मार दिया, गोपालगंज में दो को सरेआम गोली मार दिया, एक दिन भी नागा नहीं है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, आई दूसरे के गाल बजा करके, दूसरे के खिलाफ बोल करके और अपना ये अब झूठी प्रशंसा में परेशान है। ये कहते हैं कि हम ट्रैफिक का जाम प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है तो उसको गुणगान करने का क्या सवाल है?
बहुत सब बातें हो रही थी, ऐसे कहाँ बन गया जो इतना तो फ्लाई ओवर बना दिया ये सब, तभी तो भीड़ है जो कि जाम जस का तस बना हुआ। कल भी एक फ्लाई ओवर का उद्घाटन किए नीतीश कुमार जी ने। हाँ, अपना किसी का नाम नहीं रहे, सब जगह नीतीश का नाम रहे, इसीलिए परेशान परेशान है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है और उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन किया इसलिए तो जेपी जो सेतु है, जेपी ब्रिज है, वो बोझ संभालेगा आने जाने वाला, नहीं संभालेगा। इसका उदाहरण है कि गोपालगंज में पुल बनाया, एक महीना के बाद ढह गया। इस तरह का ये मैंने अपनी अपनी प्रशंसा के लिए, अपना नाम के लिए, ये रात दिन यही काम में ही लगा हुआ है। मतलब आप सरकार से ना खुश है? सरकार से ना खुश नहीं है, सरकार नाम की चीजें नहीं है बिहार में, इसलिए खुश है ना खुश का सवाल कहाँ होता है। ये कहता है कि न्याय के साथ विकास करेंगे, ये न्याय जानता है कि क्या है न्याय, किसको कहते हैं? ये सब सड़ा सड़ा अफसर को, पुलिस अफसर को सर्विस में दे दी, पोस्टिंग किए हुए थाना में, ब्लॉक में, एक जगह। और जो लड़ने वाला बैरियर कौम है, मोहम्मदन है, गरीब गुरुआ लोग है, दलित है, पिछड़ा है, उस सब के अफसर को सेंटिंग में दिए हुए हैं। इसका हम उदाहरण देते हैं कि पटना का प्रशासन देखिए, पटना प्रशासन में तमाम देश का जात भाई सब भरा हुआ है। आइए, साल में 3 बार ट्रांसफर करता है आईएएस आईपीएस का पटना छोड़ के, क्योंकि पटना में देखिए जब बताते हैं हम कि अच्छे लोग आते हैं तो उसको तुरंत भगा देता है। आरसीपी सिंह इनके डायरेक्टर है, जो पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग, आप हम कहते हैं कि अगर ये न्याय की बात करता है तो न्याय की बात करता है तो जांच करवा ले, मेधा घोटाला, टॉपर घोटाला, ये बलि का देख, कोई निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के जज से करवा दे, पोल खुल जाएगा। ये सारा बहाली में ये पूरा भरे हुए है नालंदा जिला को। हम मान लेते हैं कि मेधा में हो सकता है, सिपाही में भी खाली उसी का जात है, सारा लोग दरोगा में भी भर दिया है, सड़ा गिनाया हुआ आदमी सबको भर दिया, और जो जेन्युइन लोग था, जो सही माने में था, उसको सब लोग छांट दिया बैठ करके मनसा से। ईमान न्याय की बात करता है, दारू के बारे में तो बता दिया कि दारू खुल्लम खुल्ला बिक रहा है, झूठ मूठ गाल बजा रहा है कि दारू, आई करता क्या है, सस्पेंड तो सस्पेंड किया कि इसको दरोगा को, इसको 4 दिन के बाद इसका जात भाई रहता है, उसको रीइंस्टेट करके अब बढ़िया पोस्टिंग देता। इसका उदाहरण बता रहे हैं कि धरनुआ से दरोगा था अफसर इंचार्ज, दारू में पकड़ाया और 3 दिन के बाद उसकी पोस्टिंग कर दिया कंकड़बाग में, अजय रिश्ते इंचार्ज। ये मान लीजिए तो न्याय कर ही नहीं सकता है। उदाहरण है कि मैं एक था पीपी, पीपी के पद पर झूठा आरोप लगा करके हमको हटा दिया, मैंने रिट फाइल किया और रिट से हमको डिग्री मिल गई, हमारा सरकार का आदेश रद्द कर दिया गया और लिख दिया गया कि इसमें कोई अनियमितता नहीं किया गया है पीपी के द्वारा, पीपी का एक्ट कोई ऐसा नहीं था कि जिससे हटाया गया। फिर हमको एक धक्का दिया और फिर रीट कर दिया एलपीए डबल बेंच में, डबल बेंच से भी हम जीत गए, डबल बेंच से जीते हम 12 तारीख को, 12/7/18 को हम देखा कि रवैया ठीक नहीं है, उसमें भी कह दिया कि निचले अदालत जो रीट कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सही किया है, पीपी का कोई गलती नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। उसके बाद ये परेशान कर रहा था तो हम 24/7/18 को रिजाइन कर दिया। ये कहता है आदमी जब न्याय करेंगे, तुम न्याय जानते कहाँ हो, तुमको तो बेईमानी में, बेईमानी से पैदा हुए और बेईमानी करना जानते हो।